पिक्चर अभी बाकी है, द शो मस्ट गो ऑन। पिक्चर अभी बाकी है, द शो मस्ट गो ऑन। जाते जाते जूझने का जज्बा सा गए डॉक्टर अग्रवाल। देश के प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल जीवन की अंतिम सांस तक कोविड के खिलाफ मजबूत अभियान चलाते रहे। 17 मई को उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन महामारी के दौरान अपने वीडियो से उन्होंने करोड़ों लोगों को जागरूक किया। वैक्सीनेशन के बाद भी जब खुद कोविड के चपेट में आए तो ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहते हुए कोरोना पर लोगों को जागरूक करते रहे। पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल कोरोना काल में काफी सक्रिय थे। 62 वर्षीय डॉक्टर अग्रवाल देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट थे। वह वर्तमान में हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष वो पहले रह चुके हैं। साल 2010 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कोरोना की दूसरी लहर में जब पूरे देश में महामारी अपने पीक पर थी तो डॉक्टर के अग्रवाल लोगों को वीडियोज और ऑनलाइन माध्यमों पर जागरूक करने में जुटे थे। कोविड से संबंधित जानकारियां देते हुए कई एजुकेशनल कार्यक्रम भी उन्होंने चलाया। यह क्रम उनके कोविड संक्रमित होने और ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहने के दौरान भी जारी रहा। डॉक्टर अग्रवाल ने वैक्सीन की दोनों डोज ली थी, इसके बावजूद उनको कोविड संक्रमण हो गया। संक्रमित होने पर उनका लोगों के साथ ऑनलाइन क्लासेस जारी रहा। वीडियो शेयर करते हुए डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, मैं संक्रमण से गुजर रहा हूँ, मुझे कोविड निमोनिया हो गया है, यह बढ़ रहा है। वह द ग्रेट शोमैन राज कपूर के शब्दों को दोहराते हुए कहते हैं कि द शो मस्ट गो ऑन, पिक्चर अभी बाकी है। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि लोग राज कपूर को शोमैन मानते हैं, लेकिन मैं उनको धरती का सबसे प्रैक्टिकल इंसान मानता हूं। शो मस्ट गो ऑन, मेरे जैसे लोग ऑक्सीजन पर भी क्लासेस लेंगे और लोगों की जान बचाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर के अग्रवाल कोविड महामारी में अफरा तफरी से भी लोगों को बचाते रहे। वह लगातार लोगों को कोविड में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कब क्या कदम उठाएं, यह सब बातें वीडियोस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते रहे।